तो हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं परवल की सब्जी। मतलब मैं जो रेसिपी बता रही हूँ, आज परवल की कालिया बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो बहुत ही फ्रेश फ्रेश मुझे परवल मिल गया है। चलिए इसको अच्छे से काट लेते हैं। पहले दोनों का साइड काट के और छिलका निकालते हैं। और छिलका ऐसे निकालना है कि पूरा मतलब साफ़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत मतलब रख देना है, क्योंकि परवल बहुत ही नरम होता है। पूरा छिलका निकाल देंगे तो बहुत ही नरम पड़ जाएगा। थोड़ा सा छिलका रख देंगे तो क्या होता है ना, थोड़ा कड़क रहता है। देखिए कैसे निकाल रही हूँ मैं छिलका, आप भी ऐसे ही निकालना। देखिए बस ऐसे ही निकालना है। परवल के साथ मैं आलू डाल रही हूँ, इसलिए मैं आलू भी छील लूँगी। तो चलिए परवल काट लेते हैं। और परवल को सिर्फ ऐसे मतलब क्रॉस करके काटना है, गोल गोल नहीं काटना है। क्या है, अच्छा भी दिखेगा और सुंदर भी लगेगा खाने में। तो आलू भी ऐसे ही साइज़ में काटना है कि थोड़ा बड़ा बड़ा, क्योंकि कालिया में क्या लगता है, थोड़ा साइज आलू का साइज़ बड़ा लगता है, छोटा छोटा नहीं। आलू और परवल कट के मेरा फ्रेश हो गया, मतलब काट लिया, पूरा धो के भी रख दिया। तो अभी गैस ऑन करके मैं कढ़ाई बिठाती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के मैं सारे के सारे परवल मैं थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। वैसे भी हम लोग में क्या बोलते हैं, परवल और क्या है ना, भिंडी, थोड़ा अच्छे से मतलब तेल में पहले भाजी बनाने से पहले थोड़ा तेल में फ्राई कर लिया जाए तो उसका स्वाद और उसका कलर निखर के आएगा। तो परवल के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और तब तक फ्राई होने दे उसको, तब तक मैं अदरक लहसुन टमाटर कांदा काट लेती हूँ, वो भी चाहिए, क्योंकि टमाटर मतलब परवल की कलियां बन रहा है इसलिए कांदे का परिमाण थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। आप तो एक बड़ा सा कांदा ले, बस उसका छोटा छोटा पीसेस कर ले। और कांदा काटते काटते परवल एक साइड पक जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर हिला दे रही हूँ, क्योंकि दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाए। और अदरक लहसुन का आप पेस्ट भी डाल सकते हो। मैं क्या करूँ, अदरक लहसुन ना ये हम आल में थोड़ा पीस लेती हूँ, वो भी अच्छा मतलब उसका स्मेल ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए परवल का कलर सुंदर आ गया, अच्छा अच्छे से फ्राई हो गया। इसके ऊपर मैं अभी आलू डाल दूँगी, आलू को भी थोड़ा परवल जैसा थोड़ा ऐसा तेल में हिला लेंगे। देखिए हो गया, मैं अलग बर्तन पे परवल और आलू उठा लेती हूँ, फिर मसाला रेडी करेंगे। चलिए उसी कढ़ाई पे एक तेज पत्ता और एक सूखा मिर्ची डाल के मतलब तड़का लगाएंगे, और उसके ऊपर जो कांदा काट के रखा था सारे के सारे डाल देंगे। कांदा थोड़ा सा मतलब ब्राउननेस आ जाए, ये तो कच्चा है, थोड़ा सा ब्राउननेस आ जाए तो जो अदरक और लहसुन मैंने पीस के रखा था वो डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन टमाटर से पहले तेल में फ्राई हो जाए ना तो उसका कच्चापन चला जाता है। क्वांटिटी अदरक लहसुन का थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। उसके ऊपर टमाटर, और टमाटर देने के बाद तुरंत ही थोड़ा सा नमक देंगे, क्योंकि टमाटर को गला देता है नमक। थोड़ी देर पकाने के बाद मेरा तो टमाटर गल गया, अभी मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर। हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गरम मसाला, स्पेशल गरम मसाला है, इसका सेंट और स्वाद अलग ही रहता है। तो आपको ये इसका रेसिपी जानना चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा कैसा बनता है, तो बता दूँगी। मसाला मेरा रेडी, तो इसके ऊपर मैं परवल और आलू डाल देती के अच्छे से इसको मतलब मिला लेंगे, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके इसको एक साथ मिलाना पानी देने से पहले।
देखिए मेरा अच्छे से देखिए कलर आ गया, मसाला मिक्स हो गया। इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। परवल और आलू की कालियाँ में ज़्यादा पानी नहीं लगती, सूखा सूखा ही भाजी रहता है। अब रोटी के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। आलू भी मेरा ऑलरेडी पक चुका है, बस मेरा रेसिपी तैयार। और लास्ट में जो चीज़ देने वाली हूँ इसमें, ये मतलब निखर के आएगी कसूरी मेथी, बस ये ऐसा लास्ट में कसूरी मेथी थोड़ा खस के डालना। देखिए कितना सुंदर कलर और सब्जी, देखिए मतलब इतना घना घना ग्रेवी टाइप्स हुआ है ना, मतलब क्या बताऊँ। तो एक बार आप भी घर पे ट्राई कीजिए दोस्तों ऐसे मतलब परवल की सब्जी। वैसे भी आप लोग कैसे बनाते पता नहीं, पर मेरे हिसाब से एक बार बना के देखिए, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आप लोग भूल नहीं पाएंगे। चलिए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। थैंक यू, मेरा वीडियो आज इधर ही ख़त्म होता है।